हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए आज लेटेस्ट न्यूज़ है, और लेटेस्ट न्यूज़ है याचिकाओं को लेकर। जी हां फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर हुई 1500 याचिकाएं विधि विशेषज्ञों से कराई जा रही है। याचिकाओं में हुई आदेश की समीक्षा, ये आज का लेटेस्ट न्यूज़ है। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पेज नंबर 6, 20 दिसंबर दिन गुरुवार, यानी कि आज का लेटेस्ट न्यूज़ जो आपके लिए लेकर हम आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस लेटेस्ट न्यूज़ में क्या है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करना, और उसके साइड में एक बेल आइकन आएगा, उसको ज़रूर क्लिक करना वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इस लेटेस्ट न्यूज़ में क्या है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 को लेकर हाईकोर्ट में 1500 याचिकाएँ दाखिल हो गई हैं। आयोग इन दिनों विधि विशेषज्ञों से इन याचिकाओं में हुई आदेश की समीक्षा करा रहा है। समीक्षा में यह देखा जा रहा है कि किस याचिकाओं में क्या आदेश हुआ है। इस भर्ती में 15 विषयों को एलटी ग्रेड शिक्षकों के पद शामिल हैं। सबसे अधिक न्यायिक विवाद कला, कंप्यूटर विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, कॉमर्स और गृह विज्ञान को लेकर है। काफ़ी परीक्षाओं को न्यायालय के आदेश पर परीक्षा में शामिल किया गया है, इस वजह से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम लटका हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक रिजल्ट की कोई भी घोषणा नहीं हुई है। अभी कुछ समय पहले 20 से 24 दिसंबर के बीच में कुछ विषयों का रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन दिया था आयोग ने अभ्यर्थियों को, लेकिन वह भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। जी हां फ्रेंड्स, आयोग ने दिया था रिजल्ट का आश्वासन 30 नवंबर को आयोग में हुए प्रदर्शन के दौरान। आयोग के स्तर से प्रतियोगियों को 20 से 24 दिसंबर के बीच इस भर्ती में शामिल कुछ विषयों का परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया गया था। परिणाम आएगा या नहीं, इसके बारे में आयोग के अफसर स्पष्ट तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि 20 से 24 दिसंबर के बीच में आपका रिजल्ट नामुमकिन है, क्योंकि जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वे साफ तौर पर नहीं बोल रहे हैं कि रिजल्ट 20 से 24 दिसंबर के बीच में कुछ विषयों का जारी होगा या नहीं होगा। आयोग के एक विशिष्ट अफसर का कहना है कि इस समय याचिकाओं में हुई आदेश की समीक्षा की जा रही है, परिणाम के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जो याचिकाएं हैं उनकी समीक्षा की जा रही है और परिणाम के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि आपके साथ फिर से धोखा हुआ है। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि फिर से एलटी ग्रेड वालों के साथ धोखा हो सकता है, और वही बात हुई है, बिल्कुल धोखा हुआ है आपके साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय याचिकाओं में समीक्षा की जा रही है, अभी परिणाम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो साफ स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर लिखा है, अगर 24 दिसंबर तक परिणाम घोषित नहीं हुआ तो इस भर्ती का परिणाम अगले वर्ष ही घोषित हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि 24 दिसंबर तक परिणाम घोषित नहीं हुआ तो इस परीक्षा का परिणाम अगले वर्ष ही घोषित हो सकेगा, क्योंकि 25 दिसंबर से आयोग में शीतकालीन अवकाश हो जाएगा। बता दें कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 29 जुलाई को प्रदेश के 39 जिलों में बनाए गए 1760 परीक्षा केंद्र में हुई थी। तो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड रिजल्ट के नाम पर आपके साथ हर वरी धोखा होता है, आपके जो बताया कुछ जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 20 से 24 दिसंबर के बीच में रिजल्ट के कुछ विषयों का रिजल्ट घोषित करने का आयोग ने आश्वासन दिया था, लेकिन यहाँ पर इस पर शब्दों में लिखा है अभी याचिकाओं की समीक्षा की जा रही है, तो रिजल्ट अगले साल आने की ही फुल चांस है। 1% आ भी सकता है 20 से 24 दिसंबर के बीच में, लेकिन लगता नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट्स में कोई गलत वर्ड्स यूज़ मत कीजिएगा। मेरा काम होता है आपके पास लेटेस्ट न्यूज़ पहुँचाना, और आपका काम होता है वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।